हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वाटर प्रूफिंग। जी हाँ, बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस है कि वाटर प्रूफिंग हम कैसे कर सकते हैं एक बिल्डिंग में, क्योंकि वाटर प्रूफिंग बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है। मोस्टली 90% लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमारे घरों में से वाटर की लीकेज हो रही है, या वॉल्स में आ रहा पानी आ रहा है, या मार्बल के थ्रू फ्लोरिंग में से पानी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे कैटर कर सकते हैं एक बिल्डिंग में, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर प्रूफिंग होती क्या है। तो बेसिकली वाटर प्रूफिंग एक जो है बिहाइंड द सीन स्टफ है जो हमारी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो वाटर लीकेज में उसको जो सीपिंग होती है वाटर की उसको कैटर कर सके। अगर रिपोर्ट्स की माने तो बेसिकली रिपोर्ट्स का कहना यह है कि अगर जो वाटर प्रूफिंग होती है हमारी बिल्डिंग में वो सिर्फ 1% कॉस्ट होती है टोटल पूरी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी बिल्डिंग की। तो ये बहुत छोटी सी कॉस्ट है जिसको अक्सर लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। तो वाटर प्रूफिंग में बेसिकली क्या है, दिक्कत कब आती है हमें, जब हमारी बिल्डिंग बन जाती है, नहीं सब कुछ अच्छा होता है, सब नए नए में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे जैसे टाइम टू टाइम बिल्डिंग की एज होती जाती है, बिल्डिंग पुरानी होती जाती है, जो टेरेस पे या रूफ कहीं फ्लोर में हमने जो सारा अपना सीमेंट और मार्बल की लेयरिंग करी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको कैटर करने के लिए हमें वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है। वाटर प्रूफिंग जो है तीन तरीके से होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे आज, और कौन सा आसान तरीका है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जो वाटर प्रूफिंग होती है बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो आपके जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ताकि वो वाटर सीपिंग को रोक सके। तो अब जब हम बात करते हैं कौन कौन से एरिया में हमारी बिल्डिंग में इस प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं, तो जैसे कि एरियाज होते हैं हमारे किचन, टॉयलेट, बाथरूम हो गए, या बैल्कनी एरिया हो गए, टेरेस हो गई, रूफ हो गई, या वाटर टैंक्स जो होते हैं हमारे। अब वाटर टैंक्स की यहाँ पे उन वाटर टैंक्स की बात हो रही है जो कई लोग जो होते हैं अपने घर में RCC के कंस्ट्रक्ट कराते हैं, वो वाले नहीं, प्लास्टिक वाले नहीं, जो PVC के हमारे घरों में होते हैं वो वाले वाटर टैंक्स नहीं, यहाँ पे बात हो रही है जो कंक्रीट से बने हुए हमारे वाटर टैंक होते हैं। तो उन वाटर टैंक्स में भी हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वाटर की प्रॉब्लम, जो हमारे वाटर उसमें से लीक करता है, या वो सीलन के थ्रू और फ्लोर्स में या रूफ में, रूफ से नीचे वॉल्स में आता है। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग की। तो सबसे पहले जो हमारा वाटर प्रूफिंग आता है वो आता है सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग। सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग होती क्या है, सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट्स होते हैं जो हमारे सीमेंट में हम उन मिक्सचर्स को ऐड करके और फिर उसका मिक्सचर बनाते हैं और उनकी लेयर्स को हम अपनी रूफ पे उसकी कोटिंग करते हैं। सीमेंटेशियस ये बहुत ही आसान होता है प्रोसेस, इसमें कुछ नहीं इतना करना है, अपना केमिकल बैग आपको मिल जाएंगे बाहर से, किसी भी मशीनरी शॉप से जो ये सामान सेल करते हैं, किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आपने परचेज करना है और कुछ नहीं। सीमेंट एक रेशियो होता है डिफाइंड उनका, उन पर कितने रेशियो में आपको किस चीज को कितने प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, उसको आप मिक्स करिए, आपको प्रॉपर मिक्सचर बनाना है। और याद रखना है, हमेशा जब भी मिक्सचर बनाए तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें मोल्ड्स ना बने सीमेंट के, अगर सीमेंट की गांठें बन जाएंगी तो वो हमारा मिक्सचर खराब हो जाएगा, उससे वाटर प्रूफिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो वाटर प्रूफिंग करने के लिए, इसको सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग के लिए हमें कुछ नहीं, एक सिंपल ब्रश चाहिए होता है, प्रूफिंग पे कोटिंग शुरू कर देनी है, कोट करना, लगाना शुरू कर देना है। इसमें दो कोटिंग लगती हैं, एक तो हमारी, एक पहले अगर हम एक ही डायरेक्शन में करें हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली पहले पूरी कोटिंग होगी, फिर दूसरी कोटिंग होगी वो वर्टिकली होगी। इसका बेनिफिट ये रहता है दो कोट लगाने का कि जो हॉरिजॉन्टली हमारी कोटिंग करने के टाइम में जो पोर्स ओपन रह जाते हैं, उन पोर्स को हम वर्टिकली जब कोटिंग करते हैं वो उसमें ढक जाते हैं। और एक एक्रेलिक एडिटिव आता है, व्हाइट होगा या फिर मिल्की व्हाइट कलर लिक्विड होगा, इसमें हम अगर मिक्स करेंगे तो ये हमारे सीमेंट को और स्ट्रांग करेगा और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो ताकि ये और टाइटली हमारे रूफ के साथ चिपका रहे। तो ये एक सबसे पहला होता है कि हमारा सीमेंटेशियस मेथड होता है। अब ये जो हमारे सीमेंटेशियस प्रोसेस है वाटर प्रूफिंग का, ये हम किन किन जगहों पर मोस्टली यूज करते हैं, ये होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है, बड़े बड़े जो होते हैं हमारे टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक्स बनते हैं, इन सब एरियो में हमारा ये सीमेंटेशियस वाटर प्रूफिंग को हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब जो हमारी दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का लिक्विड होता है जो हम अपनी रूफ पे अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली
हर एक रूफ टाइप पे इजीली अप्लाई हो जाता है, जैसे कि हमारी डिफरेंट टाइप की रूफ होती हैं, तो फ्लैट रूफ हो गई हमारी, पिच रूफ हो गई या फिर डोम रूफ हो गई। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द मोनोलिथिक फॉली लिक्विड कोटिंग होती है ऑन दी रूफ, और जो इस कोटिंग होने के बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद एक रबर टाइप का सब्सटेंस जो होता है हमारी रूफ पे प्रेजेंट होने जाता है, बहुत ही इलास्टिक और चिपचिपा सा होता है ये। और जब भी इस टाइप की कोटिंग होती है, तो इस टाइप की कोटिंग में हम एक सेकेंडरी हमारा एक और मटेरियल हम इसको यूज करते हैं इसकी कोटिंग करने के लिए, या तो रीइंफोर्समेंट ग्लास की हो सकती है या फिर प्लास्टिक की, ताकि इसमें जो है इसके बॉन्ड जो है और ज्यादा क्लोजली इंपैक्ट हो सके, और ये इसमें स्ट्रेंथ को हमारी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये हमारी दूसरी टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। और ये जो हमारी कोटिंग होती है, ये हमारी जो ट्रेडिशनल स्टाइल की रूफिंग होती थी जिसमें हमारा कंक्रीट की, बिटुमिन की, एसफॉल्ट की रूफिंग होती है, ये हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है वाटर प्रूफिंग, और इसकी जो एज है कम से अगर प्रॉपर ढंग से की जाए तो ये अप टू 25 ईयर्स तक इसका इफेक्ट रहता है हम बिल्डिंग के ऊपर। अब जो हमारी तीसरी टाइप की वाटर प्रूफिंग आती है, वो आती है बिटुमिन वाटर प्रूफिंग। बिटुमिन वाटर प्रूफिंग जो होती है बेसिकली कमर्शियल और हमारे रेजिडेंशियल हाउसेज में यूज होती है। बिटुमिन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है एसफाल्ट और कोल टार पिच का, और ये जो लिक्विड हमारा, इसको रेडीमेड भी आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल होता है, इसको आपने बस लाना है, सीमेंट के साथ मिक्स करना होता है और इसका कोट तैयार हो जाता है, और आपको कोटिंग करनी होती है अपनी रूफ के ऊपर। ये जो सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक लिक्विड से बनता है, जो बहुत ही विस्कस होते हैं, हाईली स्टिकी होते हैं और वाटर प्रूफिंग पूरे मटेरियल होता है। जो हमारी ब्यूटेमिन वाटर प्रूफिंग होती है वो भी दो तरीके में आती है। एक तो आता है हमारा लिक्विड मिक्सचर जिसको हम सीमेंट में मिक्स करते हैं, और उसके बाद उसका प्रॉपर जो लिक्विड बनता है उसको हम अपनी रूफिंग में अप्लाई करते हैं। एक आते हैं इनकी शीट्स आती हैं जो तारकोल की, बेसिकली इनके मिक्सचर से एक शीट्स बनती हैं, रोल्स में आती हैं। उसको क्या होता है, हम जब आग के साथ उसको बर्न करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाती हैं, और उसकी लेयर्स को हम अपनी रूफ पे बिछाते हैं। तो लेयर बाय लेयर उसको हीट कर करके उसको बिछाया जाता है, और उसकी जो वो बहुत ही विस्कस होता है और बहुत स्टिकी होती है, तो आपकी रूफ के साथ हम स्टिक कर जाती हैं ऐसे ही। फिर पहले एक लेयर बिछाई जाती है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर को उसके बाद ओवरलैप करके उस पर बिछाया जाता है, ताकि जो बीच में गैप्स हैं उसमें कोई जो मतलब कोई जो ज्वाइंट होता है हमारा उसमें गैप ना रहे, तो इसलिए उसको एक के ऊपर एक ओवरले करके बिछाया जाता है और उसको मेल्ट किया जाता है, ताकि वो एकदम स्ट्रांग बॉन्ड एक दूसरे के साथ बना लें। तो ये दो तरीके की हमारी विटामिन की वाटर प्रूफिंग आती है। अब हम बात करते हैं पॉली यूरेथेन वाटर प्रूफिंग की। पॉली यूरेथेन वाटर प्रूफिंग जो होती है हमारी दो कंपाउंड से बनती है। पहला कंपाउंड होता है पॉली जो एक्ट करता है एक बेस की तरह, और आइसोसाइनेट जो होता है हमारा दूसरा कंपाउंड होता है जो एक रिएक्टर की तरह एक्ट करता है इस प्रोसेस में। जब ये दोनों कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसको हम कोटिंग को हम यूज करते हैं। अब इसका जो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको पूरे प्रोसेस को हमें करना होता है। सबसे पहले अगर हमने इसको टेरेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हमें पूरी टेरेस को साफ करना होगा अच्छे से, झाड़ू से और ब्रश से लेके सारी डस्ट को हमने रिमूव कर देना है पूरी रूफ से। उसके बाद क्या होता है, उसको फिर हमने वाटर से उसकी तराई करनी है पूरी छत की, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उसमें रिमेन ना रहे, बचे ना हमारी रूफ में। उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर इसको मिक्सचर को हमें बनाना है। उसके बाद हमें इसमें ब्रश लेना है अपना, ब्रश से इसकी कोटिंग शुरू करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बारी वर्टिकली एक बारी हॉरिजॉन्टली, ताकि पोर्स जो हमारे हैं वो सारे फिल कर जाएं। और टेरेस में हमें सबसे ज्यादा खास बात हमें ये ध्यान रखनी होती है जहां पे हमारी ड्रेनेज पाइप्स आती हैं, तो एक हमारी स्लोप होता है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से और ड्रेन पाइप हमारी यहाँ है, तो एक हमारा स्लोप मेंटेन होता है कि हमारा वाटर फ्लो इधर जाएगा। हमें हमेशा याद रखना है जहां पे हमारी ड्रेनेज पाइप है वहां पे हमारी वॉल आएंगी, तो जो हमारी बाउंड्री वॉल होगी हमें उसको भी हमने कम से कम 8 इंची तक उसके ऊपर भी वाटर प्रूफिंग करनी है। क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले पानी स्लोप से आगे इधर वॉल पे जाता है, तो वॉल पे क्या होता है, जो हमारी टेरेस का इसका स्लैब का जॉइंट होता है और वॉल का जॉइंट होता है, तो इसमें गैप्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पानी जो है आपका इसमें अंदर ड्रेन होता है, ड्रिप करता है, और इसी वजह से जो है आपकी वॉल्स में सीलन आती है जहाँ के एजेस वॉल होंगी। कई बार लोगों की कंप्लेंट आती है कि जी हमारी कोई पाइपलाइन नहीं है कुछ नहीं है, पर फिर भी हमारी दीवारों में से पानी आ रहा है, तो बारिश की वजह, क्योंकि ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब बहुत ही हाई वाटर एकदम फ्लो कर रहा है आपके उस एरिया से। जैसे कई बार क्या होता है बहुत तेज बारिश आती है, तो उस वजह से आप लोगों के जो वॉल्स में होते हैं उसमें थोड़े पानी आने शुरू हो जाता है,
सीलन सी दिखनी शुरू कर दी, सीलन आती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा एंड पॉइंट आएगा ड्रेन के पास, तो हमें उसके वहां पे जो वॉल्स आएंगी उनको कम से कम 8 इंच तक के लिए हमें उस लेवल तक हमें उसको वाटर प्रूफिंग करनी है, ताकि कि इस तरह की कंप्लेंट हमारे टेरिस से हमें ना मिले। तो दोस्तों ये 4 तरीके की वाटर प्रूफिंग होती है जो मैंने आपको समझाई है। इन्हीं 4 का ही ज्यादातर यूज होता है और एक्स्ट्रा कोई है नहीं। या कंस्ट्रक्शन से पहले जब अगर हमें वाटर प्रूफिंग करानी होती है, उसके और डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ की पूरी कंक्रीट की लेयर बिछा दी पहले पूरी फ्लोर में, ताकि ग्राउंड से आपकी वाटर आपका रेस ना हो, आपकी बिल्डिंग तक ना पहुंचे। और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें उसके ट्रीटमेंट करने होते हैं, वो आपको फर्दर वीडियोस में बताएंगे। जो सबसे कॉमन होती है ना, जो हर एक जगह यूज होती है, वो मेरे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, विटामिन वाली होती है। जो विटामिन वाटर प्रूफिंग है वो बहुत इजी होती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं डिफरेंट, बहुत सारे जिनके कई मटेरियल आते हैं कई टाइप के। तो उन सब का आप यूज करके विटामिन की वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं अपने घरों में, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि आज के टाइम में यही है कि वाटर प्रूफिंग कैसे करी जाए। क्योंकि पहले कंस्ट्रक्शन के टाइम किसी को ध्यान नहीं रहता इस चीज के बारे में कि ऐसी भी प्रॉब्लम आएंगी, पर जब आप उसमें बिल्डिंग में रहना शुरू कर देते हैं, थोड़ा टाइम बिता लेते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं इस चीज की जरूरत है। फिर तो मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ विटामिन की वाटर प्रूफिंग को, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बहुत इजी है, और कोई ज्यादा स्किल्ड लेबर की भी जरूरत नहीं होती। हम खुद भी इसे कर सकते हैं, बस थोड़े से चीजों को ध्यान रखना होता है। जो मिक्सर होता है, जो स्टैंडर्ड में एक मिक्सर बताऊं जैसे आपको, कि होता है कि अगर आप 1 kg ये ले रहे हैं विटामिन का, तो हमें 1.5 kg ऑफ सीमेंट में हमें इसे मिक्स करना होता है, ताकि हमारा जो मिक्सर है वो प्रॉपर बन सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक फिर नए किसी टॉपिक के साथ, जिसको डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।